हाय एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हो यार तुम लोग? हाउ द जोश मैन? तो यार हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था ऑन दिस अमेजिंग चैनल फाउंडेशन मैन एकेडमी, जहां पे हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यार, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सबसे पहले लेक्चर में हमने बहुत सारा कुछ बेसिक कर लिया, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सबएटॉमिक पार्टिकल्स एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अलोंग विद आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के टॉपिक। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यार जाके देख लो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो में सारे लेक्चर, सारे बेसिक टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। उसी जर्नी को, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिल रहे हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तुम्हें याद होगा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में हमने लास्ट पोस्टलेट पढ़ा था कि एटम्स डू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। बच्चों उसी प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं ना यार, तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार रिपीटिंग मोड में हो रही होती है। मतलब जब भी मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता हूं तो मुझे वो चीजें ना रिपीटिंग मोड में मिलती है कि ये तो होना ही है। और जो चीज होती है, जो चीज सर्टेनली होती ही होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं, लॉ मान लेते हैं। और यार इसी चैप्टर में हमें पढ़ने होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इन लॉ की बहुत जबरदस्त जबरदस्त एप्लीकेशन है स्टोकियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। चलो यार उन्हें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कवर करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और हां यार, तुम लोग सब एंजॉय कर रहे होगे इन केमिस्ट्री के लेक्चर्स को, अगर तुम एंजॉय कर रहे हो तो हर वीडियो पर कमेंट करके मुझे बता जरूर दिया करो कि सर मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम ये भी कर सकते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं, अपने इस लेक्चर को, इस अमेजिंग से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ लेते हैं ना केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। सर थोड़ा खुल के बताइए ना, व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? यार देखो सबसे सिंपल बात है, एक्चुअली में बात यह है सिंपल सी कि अगर मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊं तो जब पुराने समय में ना, जब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, फिलोसोफर लोगों ने केमिस्ट्री को थोड़ा जाना होगा, थोड़ा देखा होगा, तो उन्होंने यह पाया कि हमें अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते हैं? उन चेंजेस को देखते हुए उन्होंने उन चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन से पार्ट थे सर वो? यार वो पार्ट थे तुम्हारे कौन कौन से, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। कौन कौन से? केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। चलिए सर किस बेसिस पे डिवाइड किया उन्होंने, किस बेसिस पे डिवाइड किया? देखो यार इस पॉइंट तक हम ये तो जान चुके हैं कि हर एक मैटर, हर एक सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। ये तो हम सब लोग जान चुके हैं। बच्चों अगर मैं कुछ ऐसा देखूं कि मेरे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, मतलब उनके एटम कंबाइन होते हैं, और एटम कंबाइन होने के बाद जो नई चीज बनती है वो कंप्लीटली न्यू होती है, तो ऐसे किसी भी चेंज को मैं केमिकल चेंज बोलता हूं। क्या? इन दिस केस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगर न्यू सब्सटेंस बन रहा हैविंग सेट ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? न्यू होंगी, सिंपल सी बात है। अच्छा तो सर फिजिकल चेंज में क्या होता है? यार फिजिकल चेंज में ना कभी भी एटम्स कंबाइन नहीं होते, वो केवल रीअरेंज होते हैं। इसका मतलब अभी समझाता हूं, लिख लेते हैं पहले। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेकिंग प्लेस। ओके ठीक है सर, समझ में आ गई बात? यहां तक तो समझ में आ गई, ठीक है क्या चल रहा है? अच्छा हमने एक और चीज देखी यार, अब जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं वो इरिवर्सिबल थे। कैसे थे? इरिवर्सिबल थे। जबकि जितने भी फिजिकल चेंज थे बच्चों वो क्या थे? रिवर्सिबल थे। चलिए अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल से इन चीज को समझाता हूं। मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऑक्सीजन गैस ली, मैंने कुछ हाइड्रोजन गैस ली, दे बोथ केम इन कॉन्टैक्ट। जब मैंने उनको कॉन्टैक्ट में रखा तो मैंने क्या देखा कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसको हम पानी, वाटर बोलते हैं, हैविंग सेट ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज। Now the properties of the product which is formed like H2O is completely different with the properties of oxygen and hydrogen. Completely different. हमने सोचा कि यार इसको हम वापस क्या भेज सकते हैं, क्या सेम कंडीशन में हम इसको वापस भेज सकते हैं H2O को? क्या कभी तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे पास पानी रखा है और वो पानी से O2 plus H2 बन जाए? ऐसा तो कभी होता ही नहीं यार, इररिवर्सिबल है।
मतलब अगर तुम O2 और ऑक्सीजन को एक साथ रखते हो तो पानी बन जाएगा, लेकिन पानी से क्या कभी तुमने देखा है उसी सेम कंडीशन पे वापस से O2 या H2 बनता हुआ? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे जितने भी चेंजेस हैं वो सारे क्या हैं? केमिकल चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। सर एक एग्जांपल और दे दो, जैसे कि मान लो तुमने मैग्नीशियम के मेटल को रख दिया किसी एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट में, या फिर मान लो तुमने उसको बर्न कर दिया विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा? वहां पे एक व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, क्योंकि वो होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस। नाउ मैग्नीशियम वॉज ए मेटल, इट वॉज नॉट इन द पाउडर्ड फॉर्म, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इन द पाउडर्ड फॉर्म। बस समझ में आ रही है, ठीक है? तो कंप्लीटली एक नया सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में क्या होता है यार? अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाता है। मतलब क्या सर इस बात का? मान लो मेरे पास पानी है विच इज इन लाइक लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में सब लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स आर समहाउ पैक्ड लाइक दिस, ओके, नॉट टाइटली और नॉट फ्रीली, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हीट करूं बच्चों, तो होगा क्या? एक चेंज दिखाई देगा। क्या चेंज दिखाई देगा? यहां पे ये पानी जो है स्टीम बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि H2O क्या बन जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं H2O जो गैसियस फॉर्म में आया, यहां पे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं। आप बोलोगे सर बस इतनी सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाना शुरू कर दिए, और जब दूर दूर जाएंगे तो ये कंटेनर छोटा पड़ेगा, उनको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएंगे? दे विल गो अवे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, अगर ये कंटेनर ओपन है तो, है ना? तो यहां पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने केवल रीअरेंजमेंट ऑफ द सेम एटम किया है, मतलब हमने H2O के ही छोटे छोटे पार्टिकल को रीअरेंज कर दिया। पहले वो थोड़े पैक्ड थे, अब हमने उनको फ्री कर दिया। अब ध्यान दो कि ये रिवर्सिबल है। हाँ, आप सेम पॉइंट पर भी देख सकते हो कि पानी जो है आपका उड़ जाता है, और जो आपकी स्टीम है कंडेंसेशन होकर वो वापस से पानी बन सकती है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? जब हम स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं तो हमने देखा है ना, जब हम टिफिन को खोलते हैं तो उसका ढक्कन पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। कहां से आता है वो? यहीं से तो आता है, है ना? जो जितना भी स्टीम होता है वो सारा वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बच्चों क्या है? फिजिकल चेंज है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हमारे पास हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के। जैसे कि अगर मैं इससे अलग एग्जांपल दूं आपको, है ना, तो आप कह सकते हो डिसॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है? लाइक जैसे कि आपने सॉल्ट मिला दिया पानी में, वो रिएक्ट थोड़ा ना करते हैं कभी भी, बताओ, बोलो, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। आप चाहे तो पानी को बाहर निकाल के उसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं रिवर्सिबल केमिकल चेंज का एग्जांपल लूं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्लियर है? तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस के। यहां तक बात सबको समझ में आती है? अब देखो मजे की बात, अब हमारे लिए केमिकल चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे नए सब्सटेंस बनते हैं। यार फिजिकल चेंज में तो जो है बस वही है, लेकिन केमिकल चेंज में हम थाउजेंड्स ऑफ न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? केमिकल चेंज। इसलिए हमें क्या पढ़ना होता है? केमिकल चेंज पढ़ना होता है। अब केमिकल चेंज में एक्चुअली में हो क्या रहा है? केमिकल चेंज में एक्चुअली में हो क्या रहा है? एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। यही तो हो रहा है, न्यू केमिकल सब्सटेंस। ओके, क्या मैं इसी हो गया? दिस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। यही केमिकल कॉम्बिनेशन है, सही बात है। केमिकल कॉम्बिनेशन इज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का नाम होता है यहां पे, ठीक है? केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है ना, हमें कुछ सर्टेन थिंग दिखाई देती है, है ना? कुछ ऐसे चीजें दिखाई देती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे कि जैसे पहला लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सर क्या मतलब है इस बात का?
इस बात का इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, सही बात है सर। कहने का तात्पर्य क्या है, आइए समझते हैं। सपोज करो कि मैंने एक केमिकल सब्सटेंस ए लिया और एक बी लिया, जिसको मैंने जब कंबाइन किया तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बना विच इज सी। ठीक है, रिएक्टेंट भी मोर देन वन हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी मोर देन वन हो सकते हैं। देखो, लेफ्ट साइड में जो हमने इनिशियली लिए हैं, जिनसे हम कुछ नया बनाना चाहते हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो फाइनली बनता है हमारे पास उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर यहां पे मास कंजर्व्ड है तो मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ सी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। बोलो हाँ या ना, सही बात है। अब ये जो लॉ था लेवोजियर ने दिया था, आपके लिए नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, आपको इतना इंपॉर्टेंट मतलब आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा किसने लॉ दिया किसने नहीं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, आपको उसकी एप्लीकेशन, आपको उसके न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए, है ना। लेकिन जस्ट है ना, वैसे ही तो लेवोजियर ने लॉ दिया था, लेकिन लेवोजियर के बाद उसको प्रूफ प्रैक्टिकली किया था लैंडॉर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, लैंडॉर्ट LNDOLT। उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया जिसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, CuSO4। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, विच इज राइट नो ब्लू इन कलर, ऊपर एक छोटा सा बीकर को रस्सी से बांधा हुआ है, देखो स्ट्रिंग दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, और इसके अंदर भर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलिए, इसको एक वेगिंग मशीन पर रख लिया, और जो ओवरऑल वेट आया अलोंग विद द सब्सटेंस, अलोंग विद द कॉपर सल्फेट, NaOH एंड द बीकर वेट एंड एवरीथिंग, है ना, टोटल आया 67.25 ग्राम। समझ में आई बात। अब उन्होंने क्या किया, इसको वेट करने के बाद झटके से इस धागे को खींचा, और जब खींचा तो ये क्या हुआ, ये गिर गया, बिखर गया लाइक दिस। ऐसा होने पर क्या हुआ बच्चों, इनके बीच में हो गई रिएक्शन। जब इनके बीच में रिएक्शन हो गई तो यहां पे बनता है तुम्हारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट बन गया। अच्छा जी, बन गया, बहुत बढ़िया। जब रिएक्शन हो गई पूरी, है ना, कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा कि अब वेट देखो कुछ चेंज आया, तो वेट में कोई भी चेंज नहीं था, प्रीवियसली इट वाज 67.25, आफ्टरवर्ड्स इट वाज 67.25 अगेन। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन से पहले भी वेट बराबर है, रिएक्शन के बाद भी वेट बराबर है, मतलब मास इज कंजर्व्ड। क्या सभी को बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए, नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में इसके एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, आइए देखते हैं ये नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बेसिस पे क्या इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सो यू हैव सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसका आपको वेट गिवन दिया हुआ है कितना है, चलो भी लिखते हैं, रिएक्टेड विद एसिटिक एसिड, इसने रिएक्ट किया एसिटिक एसिड से, ठीक है, द प्रोडक्ट्स वर, हमें प्रोडक्ट दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, CO2, वाटर सबको पता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहां पे इसने थोड़ा सा खा गया, खाली सोडियम नहीं आएगा, ठीक है ना, यहां पे तुम्हारा आएगा कार्बोनेट जाएगा ना यहां पे, तो ये तुम्हारा बनेगा सोडियम एसिटेट, ठीक है ना, सोडियम एसिटेट बनेगा यहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए आ जाओ, तो यहां पे हमें इस रिएक्शन ने सोडियम कार्बोनेट बोल दिया 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड बोल दिया 6 ग्राम, द प्रोडक्ट इज 2.2 ग्राम, ये 0.9 ग्राम वाटर, और सोडियम एसिटेट इज इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी बताओ कितना बनेगा ये मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, हमारे पास था, पहले तो एक बार देख लेते हैं, Na2CO3 इट इज सोडियम कार्बोनेट, अगर किसी को नहीं पता है तो, एसिटिक एसिड इज CH3COOH। क्लियर है यहां तक सभी को बात, ठीक है ना। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड की और Na2CO3 की, ठीक है, तो मेरे पास बन जाता है बच्चों CH3
COONA, जिसको मैं सोडियम एसिटेट बोल रहा हूं, CO2 प्लस में H2O बनता है। ठीक है, आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे आपको सबके नाम याद हो जाए। अभी आप इसको नॉर्मली देखेंगे, धीरे धीरे करके हम यहां तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, सोडियम एसिटेट कितना दे रखा है? 8.2 ग्राम दे रखा है। हमसे पूछा है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा रहा है यहां पे? चेक करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर फॉलो करेगा, ओके, तो यहां पे क्या होना चाहिए? चलो पहले एक काम करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी 5.3 प्लस 6 इक्वल्स टू 11.3 ग्राम। और अब निकालते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज 0.9 प्लस में 2.2 प्लस में 8.2। बच्चों कितना है ये? है आपका मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अगेन 11.3 ग्राम। बच्चों मेरे क्वेश्चन में क्या आ रहा है? मेरे क्वेश्चन में मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है विच इज 11.2 ग्राम। तो क्या मैं कह दूं कि यार दिस रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज अ यूनिवर्सल लॉ, इट विल नेवर फेल। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन जो यहां पे ना फॉलो हो। ठीक है ना, दिस रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। है ना, समझ में आ रही है बात? चलिए आ जाइए रूल नंबर टू, लॉ नंबर टू पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे समझ में आ गया। बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ये लॉ क्या कहता है। देखिए ये लॉ भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी बात कह रहा है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड, मेरे पास एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, always contain same element, always contain same element combined together, combined together in a fixed proportion by mass। अब बहुत बार हमें ना इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाह रहा है, तो मैं आपको ना पहले एक बेसिक से एग्जांपल देता हूं, है ना, जिससे कि आपको लॉ समझ में आएगा, फिर हम केमिकल एग्जांपल पे जाएंगे, मतलब केमिस्ट्री वाले एग्जांपल पे जाएंगे। अभी के लिए डेफिनेशन केवल इतना कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कहने का मतलब क्या है? देखो हमें सबको चाय बनानी आती है ना, सबने अपने घर में कभी ना कभी चाय बनाई होगी, चाय का पतीला लेते हो तुम लोग। ठीक है, मान लो तुम्हारे मम्मी ने अपने लिए चाय बनाने का एक रूल बताया हुआ है, क्योंकि हम बचपन में क्या करते हैं, मम्मी को परेशान करते हैं, मम्मी चाय पीनी है, तो मम्मी क्या कहती है, एक दिन वो समय आ चुका है, अब तू 6-7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, अब तू सीख ले चाय कैसे बनाते हैं, है ना, बार बार मैं परेशान नहीं होंगी। तो अब कैसे बनाए चाय? तो मम्मी बताती है गोल्डन रूल, कहती है कि देख तू एक सिंपल सा काम कर, तुझे अपने लिए एक कप चाय बनानी है, तू उसमें एक कप दूध डाल दे, है ना, तो 1 कप मिल्क डाल दे प्लस 1 स्पून शुगर डाल दे। इस बात को बस याद रखियो। उसके बाद चाय पत्ती तो चुटकी में थोड़ा सा भर के डाल देते हैं, उसका कोई रूल नहीं है, आप थोड़ा सा उठा के डाल देते हो, लेकिन ये रूल आपको हमेशा मेंटेन करना है अगर आपको एक अच्छी चाय बनानी है। आप समझ जाते हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने लिए 1 कप टी बना पाऊंगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि घर पे आ गए मेहमान, है ना, और मम्मी उनके साथ बैठी है, तो मम्मी ने बोला आपसे कि बेटा जा एक काम कर, 8 मेहमान है, 9 मैं हूं 9 भी मैं हूं, जा हमारे लिए 9 लोगों के लिए चाय बना ले। अब मम्मी ने सबके मेहमानों के सामने बात ये बोल दी, अब तुम्हारा एकदम दिमाग खिसक गया कि भाई ये क्या है यार, मैं तो 1 कप की बनाना जानता हूं, अगर गलत बन गई तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत तगड़ी, मम्मी की फ्रेंड्स आई है ना, वहां बेइज्जती हो जाएगी, किस पे चाय बनानी नहीं आती। तुम दिमाग लगाते हो कि यार मुझे चाय ही तो बनानी है, पहले 1 कप टी बनानी थी, अब 9 कप टी बनानी है, क्या मैं ये नहीं कर सकता कि अब मैं 9 कप मिल्क ले लेता हूं प्लस 9 स्पून शुगर ले लेता हूं, इसके रिजल्ट में मेरे पास 9 कप टी बन जाएगी? आंसर है हां। यस सर, बिल्कुल सिंपल, ये तो सब जानते हैं। अब तुम्हें एक बात नोटिस करो, द रेशियो ऑफ द एलिमेंट, आपने इस 1 कप टी बनाने को 2 एलिमेंट का यूज किया है ना, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक है मिल्क एक है शुगर,
यहां पे जो रेशियो इनका 1:1 है, क्या यही रेशियो इनका मेंटेन हो रहा है इस सेकंड वाले पार्ट में भी? कहने का मतलब यह है श्लोक का कि वट एवर बी द रिएक्शन इज, हाउ बिग और स्मॉल द रिएक्शन इज, द रेशियो इफ द कंपाउंड इज सेम, जिसकी आप बात कर रहे हो और वो सेम एलिमेंट से ही बना है, देन द रेशियो ऑफ दोज एलिमेंट्स बाय मास इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। सर समझ में नहीं आया, केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल तो दो। आ जाओ भाई, तुमने CO2 देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम अनगिनत केमिकल रिएक्शन से बना सकते हो। जैसे कि तुम कोल को जलाओगे तो आपका CO2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर तुम नीचे आओगे यहां पे C+O2 गिव CO2, अगर तुम नीचे आओगे, मान लो तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना चाहते हो, तो एक ये भी रिएक्शन है कि तुम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दो, हीट कर दो, तो बन जाएगा CaO+CO2। दोनों रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है, बट यहां पे आप अगर एक ही प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो विच इज CO2, अगर आप इसी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों केस में CO2 में जो रेशियो होगा बिटवीन C और O वो तो सेम होने वाला है ना। कैसे सर? भाई अगर मैं मान लू, ये जनरल मैं मान लेता हूं 1 मोल के लिए रिएक्शन हुई है ना, 1 मोल के लिए इसमें हम मोलर मास को यूज कर सकते हैं, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन तो कितना हो गया 32 ग्राम, तो रेशियो कितना आया 3:8 आया। सेम रेशियो अगर आप नीचे वाली रिएक्शन में निकालोगे तो सेम ही तो रेशियो आएगा, क्योंकि कंपाउंड सेम है, एलिमेंट सेम है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए भी हमें एक लॉ पढ़ना पड़ता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि इसका यूज बहुत अच्छा है बाकी के क्वेश्चंस में, मैं बताऊंगा कैसे। तो यहां पे भी जो अपना रेशियो आएगा वो अगेन 3:8 आएगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, उतना ही वही अरेंजमेंट है, वही कंपाउंड है, वही एलिमेंट है, तो मास अगेन सेम आएगा, तो रेशियो विल नेवर चेंज। यहां तक बात समझ में आ गई, वट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइन टूगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मान के चलो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, वट एवर बी द रिएक्शन इज, दीज टू आर द डिफरेंट रिएक्शन, हाउ बिग और स्मॉल द रिएक्शन इज, आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे ना, मान लो कहते हो कि मैं इसके 2 मोल बनाना चाहता हूं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मास कंजर्व रहेगा, आप खाली इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, रेशियो तो फिर भी सेम आना, भाई आप दोनों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन के वेट में भी 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के वेट में भी 2 से मल्टीप्लाई, रेशियो तो हमेशा सिंपलेसिटी होता है, तो रेशियो तो हमेशा यही मेंटेन रहेगा। बात सबको समझ में आ गई। अब बात आती है सर, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बताइए, आ जाओ जरा इसके क्वेश्चन पे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। कहाँ का है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया है तो जो उनका रेशियो आता है ना वो हमेशा 1:8 होता है। कहने का मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि बाय मास अगर आप हाइड्रोजन का 1 पार्ट लेते हो तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट बनेंगे, यही मतलब है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन के 3 पार्ट लेते हो तो ऑक्सीजन के उसी के हिसाब से पार्ट बनेंगे, अगर आप हाइड्रोजन के 5 पार्ट लेते हो तो ऑक्सीजन के कितने बनेंगे, 40 पार्ट बनेंगे, है ना, क्योंकि रेशियो इज ऑलवेज मेंटेन। बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो रेशियो इतना होता है। अब अगली बार हमसे क्वेश्चन ने पूछा व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कह रहा है अगर हम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लें तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा। देखो कितना सिंपल है, अगर आप हाइड्रोजन को, अगर आप सिंपल सी इस बात को देखो तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ये रेशियो है एच और ओ का, ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, तो मैं ये कह सकता हूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देयर विल बी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आधे लोग कहते हैं सर आप इक्वल क्यों लिख रहे हो, 1 ग्राम 8 ग्राम के इक्वल कैसे हो सकता है, यहां पे ये मैथमेटिक्स वाला इक्वल नहीं है, समझ लो। यहां पे मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं तब मुझे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमसे क्वेश्चन ने बोला कि नहीं भाई अब की बार आपके पास हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा, यही पूछा हमसे। अब रेशियो मुझे हमेशा मेंटेन करना है, व्हाटएवर बी द रिएक्शन इज, हाउ बिग और स्मॉल द रिएक्शन इज, जहां पे मैंने रिएक्शन को बड़ा कर दिया 3 ग्राम कह के, लेकिन रेशियो हमेशा मेंटेन रखना है, तो अगर मैं इसको 3 ग्राम करना चाहूंगा, रेशियो को मेंटेन करना है, मुझे इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा कि 4
3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू बी 8 × 3 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि तभी ये रेशो मेंटेन होगा। नाउ द रेशो इज अगेन द सेम, 3:24 इज अगेन 1:8। सो रेशो मेंटेन करने के लिए मेरे पास ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24 ग्राम होनी चाहिए। बोलो हाँ ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 24 ग्राम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए इसी के बेसिस पे छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ इलस्ट्रेशन का, तुम लोग समझोगे। ठीक है, समझ रहे हैं? द रेशियो बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, इज व्हाट, इज 14:3 इफ नाइट्रोजन इज 30 ग्राम, फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया हमसे क्या पूछा है? चलिए कैसे करेंगे इसको, सब जरा ध्यान से देखना। नाउ मैं कह सकता हूं कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट इज व्हाट अमोनिया, क्योंकि मैं अमोनिया का अमाउंट बताना है, हाइड्रोजन का नहीं बताना। 14 ग्राम नाइट्रोजन अगर होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो अमोनिया का वेट आ जाएगा, कॉमन सेंस। अगर नाइट्रोजन 14 ग्राम है, हाइड्रोजन 3 ग्राम है, दोनों को प्लस करोगे तो अमोनिया आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो बनेगा 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है भैया 30 ग्राम उस पर बताओ नाइट्रोजन पे, ये किस पे, 14 ग्राम पे। क्या मैं 14 को 30 बना सकता हूँ किसी चीज से मल्टीप्लाई करके? आंसर है 14 की मल्टीप्लाई करके तो नहीं बना सकते। 28 ग्राम के लिए आ सकता था 2 से मल्टीप्लाई करते, 30 के लिए तो नहीं आएगा क्योंकि 14 के टेबल में 30 आता ही नहीं। तो बच्चों ऐसा हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। कोई यूनिटरी मेथड क्या होता है, मुझे लेफ्ट साइड में 14 लाना है और मुझे अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास को भी कंजर्व रखना है। तो जो भी करूंगा दोनों साइड करूंगा हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मास तभी कंजर्व होगा। अगर आप एक तरफ चेंज कर दोगे ना तो उधर का मास तो चेंज हो जाएगा लेकिन उधर का वही रहेगा जो पहले था, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी इस अमोनिया की वैल्यू 1 ग्राम पे निकाल लेता हूं। तो 1 ग्राम पे निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को 14 से डिवाइड कर दिया मैंने, कर दिया, इधर भी किया इधर भी किया। तो 1 ग्राम पे अमोनिया कितना बनेगा, निकल के आ जाएगा, यस सर। लेकिन मुझे 1 ग्राम पे नहीं चाहिए, मुझे किस पे चाहिए, 13 पे। अब 1 ग्राम में अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये 1 ग्राम ही था, इसकी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां करूंगा यहां भी करूंगा, तो ओवरऑल मैं कह दूंगा कि 30 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 510 की डिवाइड बाय 14 3 42 90, ठीक है, 14 6 कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे 84 6, ठीक है ना। तो यहां से देख लो तुम लोग जितना भी आएगा, ठीक है, 14 4 तो आ गया समथिंग तुम्हारा 36 point something। क्या सभी लोग इस बात से क्लियर है? हाँ या ना? कैसे किया, व्हाट इज यूनिटरी मेथड, कोई पूछे व्हाट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन हर जगह क्या करते हैं, पहले 1 के लिए निकाल लेते हैं और फिर 1 के लिए निकालने के बाद जिसको भी हमें चाहिए जो भी वैल्यू उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैंने 1 के लिए निकाला 14 से डिवाइड करके, फिर 30 से मल्टीप्लाई करते, मेरे पास अमोनिया आ गया। क्लियर है? इलस्ट्रेशन से समझ में आ गई होंगी सारी बातें। चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक और क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, यील्ड इतने आयरन। आपने क्या किया, आपके पास एक आयरन ऑक्साइड है ना, लेट इट बी FeO, है ना, कुछ भी हो सकता है, आयरन ऑक्साइड 2-3 तरह की होती है ना। मान लेते हैं के लिए मेरे पास FeO है, मैंने इसकी रिडक्शन की हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से रिडक्शन का मतलब अगर आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हो ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा खाली Fe में। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का चले जाना, ठीक है, Fe। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अच्छा यहां पे जो वैल्यूज है कितनी रखी है, 2.4 है और ये बना है 1.68। दूसरे पार्ट में कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अब की बार आपके पास जो आयरन ऑक्साइड थी वो कितनी थी, 2.9 ग्राम थी, जिससे आपने आयरन बनाया रिडक्शन करके 2.03 ग्राम। हमसे कह रहा है शो दैट कि यार ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो दो एलिमेंट के बीच का आप प्रोपोर्शन निकालते हो, मतलब आपसे ये वाला कांस्टेंट तो पूछा नहीं होगा, ये वाली प्रोपोर्शन तो पूछी नहीं होगी, आपसे पूछ रहा होगा FeO में। अब FeO में आपके पास Fe तो गिवन है, कितना,
1.68 ग्राम। क्या आपके पास ऑक्सीजन गिवन है? तभी तो प्रोपोर्शन निकालोगे, जब दोनों का मास होगा तभी तो रेशो निकालोगे। आप बोलोगे नहीं, लेकिन निकाल तो सकते हो। सर कैसे निकाल दूं? अरे भाई आपको FeO पूरा का पूरा पता है कितना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि Fe प्लस O से FeO बनता है। भाई FeO वाले में से अगर आप Fe को निकाल दो तो क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। यानी कि अगर आप 2.40 में से 1.68 माइनस कर देते हो विच इज 0.72, आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो इनके बीच का, बोलो हाँ या ना। यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो, निकाल लोगे। सेम काम आप सेकंड वाले पार्ट में करोगे। यहां पे Fe कितना है? 2.03। तो यहां पे आपका O कितना हो जाएगा? 0.87 हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, यहां भी आप रेशियो निकाल लोगे। अगर ये रेशियो सेम आता है तो ये दिस लो जो हमारे डाटा है ये इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। अब सर मैं रेशियो कैसे निकालूं? यार डिवाइड कर ले डायरेक्ट, है ना। जिसको भी रेशियो निकालना है क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे जल्दी से। मैं भी डिवाइड करता हूं, तुम भी करो, ठीक है ना। तो अगर मैं 1.68 को डिवाइड कर दूंगा 0.72 से तो मेरे पास आ जाएगा 2.33 रेशियो 1। मैंने पूरे से काट दिया इसको, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नीचे वाले केस में, 2.03 डिवाइडेड बाय 0.87, यार ये भी मेरे पास आ रहा है 2.33, यानी कि 2.33 रेशो 1। क्या रेशो मेरा दोनों जगह सेम है? अगर सेम है तो क्या मैं कह दूं कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है आयरन ऑक्साइड? सही बात है। तो यहां पे आप ऐसी जगह में आप इस लॉ को समझते हो, इसके एप्लीकेशन को समझते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। चलिए आंसर आएगा यस, यहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। चलिए लॉ नंबर थर्ड बच्चों, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आ जाओ अब एक बात मेरी समझो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तभी फॉलो होगा, उन्हीं दो कंपैरिजन में फॉलो होगा जहां पे प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मतलब कि कहने का तात्पर्य है आप रिएक्शन कोई सी भी ले लो लेकिन बनना तो सेम एलिमेंट चाहिए, ए प्योर केमिकल कंपाउंड। सिंगल कंपाउंड की आप बात कर रहे हो, सिंगल कंपाउंड को बार बार कंपेयर कर रहे हो, है ना। आपने क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में यहां पे भी HRO की बात हो रही थी, यहां पे भी HRO की बात हो रही थी, नीचे भी, है ना। आपसे दोनों में पानी की बात ही की थी, यहां पे भी आयरन ऑक्साइड की बात हो रही है, आयरन ऑक्साइड की ही बात हो रही है, बात समझ में आती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम जब दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सेम ही कंपाउंड बने, डिफरेंट बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, डिफरेंट बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। सर एग्जांपल दो, अगर आप कार्बन को सफिशियंट ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर आप उसको इनसफिशियंट ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ सेम एलिमेंट दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, यार तब तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फेल कर जाएगा। बात तो सही है, तब क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाएंगे। इसमें क्या होता है आ जाओ देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound, okay, then the ratio of masses of one element which react with a fixed mass of other element is always simple। क्या मतलब है सर इस बात का? आइए समझाता हूं। देखो जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे, पहली बात तो ये लो तभी लगेगा जब मोर देन वन कंपाउंड वो बनाएंगे, मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। दो एलिमेंट के मिलने से जब मोर देन वन कंपाउंड बनेगा तभी आप इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को लगा पाओगे। क्या कहता है ये लो? ये लो ये कहता है कि जो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट रहेगा जो रिएक्ट करेगा विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये रेशियो हमेशा सिंपल रहेगा। यदि सर ये क्या बात है, विच रिएक्ट विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट? कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पे एलिमेंट दोनों के केस में दोनों रिएक्शन में सेम है।
किसी भी एक एलिमेंट का जो मास है वो दोनों रिएक्शन में फिक्स होना चाहिए, चाहे तो कार्बन का चाहे तो ऑक्सीजन का, किसी एक का फिक्स होना चाहिए दोनों रिएक्शन में। जब ऐसा होगा तो दूसरे का फिक्स होगा या नहीं होगा उस पर हमें पता नहीं है। दूसरे वाले का ऐसे केस में अगर ये दो कंडीशन आपकी पूरी होती है, मोर देन वन कंपाउंड और एक एलिमेंट का फिक्स मास है दोनों डायरेक्शन में, ऐसे में जो दूसरा एलिमेंट है ना, इसके जो मासेस का रेशियो होगा वो ऑलवेज सिंपल रेशियो होगा। सर सॉल्व करके दिखाइए, कहानी को थोड़ा ढंग से समझाइए। आ जाओ, मेरे पास रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इस रिएक्शन में मास लिखूं तो आप लिखोगे कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। अगर मैं दूसरी रिएक्शन करूं विच इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात सभी लोग जानते होंगे कि नीचे वाली रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही। सब लोग जानते हो, सर कैसे नहीं कर रही? दिमाग लगाओ, अगर मैं सबका मास लिखूं, ऊपर वाली तो कर रही है, देखो ऊपर वाले में एक कार्बन दो ऑक्सीजन भरोगे तो टोटल आ जाएगा 44 ग्राम, काउंट कर लो। लेकिन नीचे वाले में ये है 12 ग्राम, ये है 32 ग्राम, लेकिन ये है 16 प्लस 12 यानी कि केवल 26 ग्राम। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? आंसर है नहीं। मैंने बोला था ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे। क्या इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है? नहीं, रिएक्शन तो सही है। गलत इसमें है कि इस क्वांटिटी पे अवेलेबल, इस क्वांटिटी पे एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप वन पार्ट ऑफ कार्बन वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन लेके वन पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना सकते। तो सर फिर क्या कर सकते हैं? काम करिए ना, यहां पे टू से मल्टीप्लाई करिए, यहां पे टू से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप क्वांटिटी ऑफ कार्बन को डबल कर दो और वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन लो, ठीक है, तो आपके पास डबल द क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनके आ जाएगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो कार्बन, यस एकदम करेक्ट है। आप अगर वेट को देखो तो 24 प्लस 32 आपका 56 आ जाएगा, सॉरी 52 आ जाएगा, ठीक है ना। 52 क्यों आएगा? तो चेंज आएगा थोड़ा सा, रुक जाओ रुक जाओ, 12 इसका हो गया, 32 इसका हो गया, यहाँ पे 26 क्यों आएगा? 16 प्लस 12 28 आएगा बच्चों, यहाँ पे है ना, तो 56 56 दोनों का हो जाएगा। तो इसी पार्ट को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैलेंसिंग होती कैसे। तो बहुत सिंपल है कि आपने क्वांटिटी को ट्वाइस ट्वाइस कर दिया जिससे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाए। इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें सिंपल सी बात, अब जरा ध्यान से यहाँ पे आ जाओ। इस केस में क्या एलिमेंट में, रिएक्टेंट में आपको कोई दो एलिमेंट ऐसे इनका, कोई एक एलिमेंट ऐसे इसका दोनों केस में मास बराबर है? क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। आंसर है हाँ। आप बोलोगे देखो इन दोनों का मास क्या है? फिक्स्ड है। ऐसे में जो अदर एलिमेंट है दूसरा है, इसके जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होगा। और आंसर है हाँ भाई, 12 12 कट जाएगा, आ जाएगा रेशियो 1:2। सो द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट है ना इज ऑलवेज सिंपल। आधे कह रहे सर अभी समझ में नहीं आया, ओ माय गॉड दिस इज वेरी टफ। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, आपने पानी की रिएक्शन, सॉरी हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, तो बन गया आपका पानी। क्या रिएक्शन बैलेंस है? आप बोलोगे सर नहीं बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? सर साफ साफ देखो ना यहाँ पे। अच्छा, बैलेंस ना होने या देखने का एक तरीका और भी है। देखो अगर मास कंजर्व्ड है तो एटम भी कंजर्व्ड है, क्योंकि एटम का ही तो मास है। तो एटम भी अगर इक्वल नहीं है दोनों साइड, तो भी आप कह सकते हो इक्वेशन अनबैलेंस। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन, यहाँ पर राइट साइड में भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन लेफ्ट साइड में दो ऑक्सीजन लेकिन राइट साइड में केवल एक ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या ये अनबैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो एक तरीका ये, यहाँ पे 2 लगा दो मल्टीप्लाई, क्वांटिटी को डबल कर दो। अगर H2 की क्वांटिटी को डबल कर दोगे तो ऑक्सीजन डबल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन डबल है, मामला बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया यहाँ से, राइट साइड में हाइड्रोजन की अगर आप देखोगे एक में दो है तो दो में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में दो ही है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर मामला बैलेंस हो गया इक्वेशन। अच्छा, इसी सेम रिएक्टेंट से आप एक और चीज बना सकते हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड यानी कि H2O2। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखो जरा ध्यान से, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, ठीक है। वेट रखेंगे 4 ग्राम 32 ग्राम 2 ग्राम 32 ग्राम, क्या किसी एक एलिमेंट का मास दोनों रिएक्शन में सेम है? आप बोलोगे हाँ। तो क्या मैं इसमें लो लगा सकता हूं? आप बोलोगे हाँ, लगाते हैं लो। द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ द एलिमेंट कितना आएगा? रेशियो इस केस में 2:1 बनाएगा। रेशियो सिंपल है, सिंपल का मतलब मल्टीपल है ना। क्या सभी को बातें समझ में आ रही है? यहां पे आप इस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 compounds, मोर देन वन कंपाउंड यानी कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो ही लगेगा यहां पे। ये दिमाग में आ गया, लगेगा तब जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कौन सी? कि जो रेशियो ऑफ द एलिमेंट है वो सिंपल होना चाहिए। आ जाओ देखते हैं कैसे। तो जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है कार्बन से, वो बनाता है ए बी
और सी, ठीक है। कह रहा है ए के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 25% है। अब अगर ए के अंदर हाइड्रोजन 25% है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कार्बन 75%। अच्छा, इनको 75% ही मैं ना मान के इनको ग्राम में मान लो, ऐसे मान लो कि मैं जो अपनी रिएक्शन करवा रहा हूँ वो 100 ग्राम पे करवा रहा हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100 ग्राम बनेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि परसेंटेज कभी चेंज नहीं होती, तो मैं 100 ग्राम ले सकता हूँ। तो ये आ गया 25 ग्राम, ये भी आ गया 25 ग्राम। दूसरी रिएक्शन में कह रहा है मेरे पास यहाँ पे जो बी के केस में जो कार्बन है वो है, सॉरी हाइड्रोजन है वो है 14.3 ग्राम। तो यहाँ से कार्बन अपने आप कितना हो जाएगा 100 ग्राम के लिए, बताओ जल्दी से, 85.7 ग्राम, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ, इस केस में जो हाइड्रोजन है बच्चों वो कितना है, 7.7 ग्राम है, तो कार्बन अपने आप कितना हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, 92.3 ग्राम हो जाएगा। चलिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आप ये समझ लो कि आपको इन तीनों रिएक्शन में ही किसी एक एलिमेंट का मास जो उसको फिक्स्ड करना है, जैसे कि 25 ग्राम है ना, जैसे कि मान लो मैं हाइड्रोजन को पकड़ लेता हूँ, मैं तीनों में काम करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि तीनों में हाइड्रोजन का मास सेम हो जाए। अब मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं यहाँ पे इस 25 को 14.3 बनाऊंगा, इस 7.7 को 14.3 बनाऊंगा, मैं काम करता हूँ इस इन सब में हाइड्रोजन को 1 ग्राम बना देता हूँ। कैसे, इस ऊपर वाली रिएक्शन को तो 25 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4 1 ग्राम कार्बन इज 3 ग्राम, नीचे वाली रिएक्शन को 14.3 से डिवाइड कर दो पूरी रिएक्शन को, क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है, परसेंटेज भी सेम ही बनी रहेगी अगर आप डिवाइड करते हो तो, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका 1 ग्राम। और ये कितना होता है बच्चों, 14 6 जा 84 समथिंग, तो 6 से चलेगा 6 ग्राम। यहां पे आप 7.7 से कर दो तो 7 से 1 आ जाएगा, और ये बच्चों आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 जा 7.7 8 9 जा, ठीक है ना, तो ये चलेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना, 9 जा से, क्लियर है, 12 96 समथिंग, तो ये 8 नहीं है तो 7.7 समथिंग अराउंड 9 चलेगा। अब अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे, अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे, द वन ऑफ द एलिमेंट का मास फिक्स हो गया। अब इन दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो है, क्या ये सिंपल रेशियो है, हाँ या ना, 1:2:3, इजंट इट अ सिंपल रेशियो, तो यस ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को करते हो, क्लियर है। आ जाओ अब बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद क्या आता है आपका, ये आता है आपका चौथा और आज का लास्ट नंबर का, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त लॉ है, समझते पहले क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब ये दो डिफरेंट वाले अलग हो गए है ना, और ये थर्ड वाला इनसे भी अलग है। विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट द रेशियो इन विच दे डू सो, द रेशियो इन विच दे डू सो इज सेम और सम मल्टीपल विद द रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर। सर क्या मतलब है इस बात का, आ जाओ मान के चलो कि ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट करते हैं एक थर्ड एलिमेंट सी से, तो बनाएंगे लेट इट बी ए सी और बी सी। अगर मैं इस सी का मास यहां पे फिक्स्ड कर दूं, जो कि बोला गया है थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है ना, थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर दूं तो इस केस में जो रेशियो होगा बिटवीन ए एंड बी, जो रेशियो आएगा ये रेशियो इक्वल या फिर सम मल्टीपल होगा जब ए और बी ऐसे रिएक्ट ना करके आपस में डायरेक्ट ही रिएक्ट कर लें इस रेशियो से। सर एग्जांपल,
आ जाओ एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैं किसकी हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दूं, किससे किससे करवाऊं, ऑक्सीजन से करवा देता हूं, क्या बनेगा, H2O बनेगा। और मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा देता हूं ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, N2O3 बनेगा। ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस है नहीं, कैसे करूं बैलेंस, यहां 2 लगा दो और यहां 2 लगा दो। नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस है नहीं, कैसे करूं बैलेंस, यहां 2 लगा दो, उसके बाद यहां 3 लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहां 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, सही है, एक क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अब ध्यान से देखो ऊपर वाली रिएक्शन में मास कितना कितना, अच्छा अभी ध्यान से देखना ऊपर वाली रिएक्शन में मास कितना है, 4 ग्राम, 32 ग्राम, यहां पे कितना है बच्चों, 32 × 3 96 ग्राम, कितना, और 28 × 56 ग्राम, ऐसे ही है। थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, जो कि होना चाहिए, अभी नहीं लगा सकते इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो पहले फिक्स करो कैसे, ऊपर वाले केस में इसको 96 बना दो किसी तरह, पूरी रिएक्शन की किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे अब आप ये कह सकते हो कि बैलेंसिंग में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले कितना 6, ठीक है ना, उसके बाद ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। अच्छा ऐसे में ये हो जाएगा 12 ग्राम, ये हो जाएगा 96 ग्राम, जो बनेगा उससे में मतलब नहीं है अभी के लिए। देखो थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो गया 96 96, ऐसे में जो रेशियो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का वो कितना आ रहा है, 12:56। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:3:14, ये इतना ही आ रहा है, हाँ या ना। अच्छा अब ये रेशियो है तो सेम होगा फिर मल्टीपल होगा अगर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करें, आ जाओ करा दो आपस में, NH3 बैलेंस कर दो, 2 3, 28 ग्राम 6 ग्राम, रेशो ऑफ एच एंड एन इस केस में कितना आ जाएगा, 6:28 यानी कि 3:14 इक्वल आ रहा है, अरे हाँ या ना, इक्वल आ रहा है कि नहीं यार, बताओ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक और एग्जांपल लूँ क्या, एक और एग्जांपल लूँ इसी चीज़ का, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, मान लो आप रिएक्ट करवा दो किसकी, किसकी रिएक्ट करवाओगे, H2 की O2 से रिएक्ट करवा दो, H2O बनेगा, बैलेंस कर लो यहाँ 2 यहाँ 2, और S की O2 से रिएक्शन करवा दो SO2 बनेगा, ये बैलेंस है, ठीक है, ये हो गया 4 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड है O2 का, है ना, तो ऐसे में रेशो ऑफ H एंड S कितना आ गया, 4:32, इट इज 1:8। और अगर मैं हाइड्रोजन और सल्फर की आपस में रिएक्शन करवाऊंगा बनेगा H2S, रिएक्शन बैलेंस्ड है, आंसर है हाँ, यह है 2 ग्राम, यह है 32 ग्राम, जरा रेशो देखो, H:S इज अगेन 2:32 यानी कि 1:16, सेम नहीं है तो मल्टीपल तो है, यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल कैसे है सर, यार आप 1/16 की मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1/8 ना आ जाएगा, तो मल्टीपल तो आगे कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा वो देख लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास है वाटर H2O कंटेन्स इतना। अच्छा एक काम करते हैं भाई, मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस करा दिए है ना अभी तक के, इस क्वेश्चन में तुम्हें मेरे लिए काम करना है कि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है या फिर मल्टीपल आ रहा है, ये तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हिंट दे देता हूं कि इनको आप ग्राम में कंसिडर कर लेना, इन सारी वैल्यूज को ग्राम में, क्योंकि आप 100 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। चलो यार इस लेक्चर में आई होप तुम्हें सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, और हाँ होमवर्क में ये क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना है। टिल द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए मिलते हैं भाई अगली क्लास में, बाय एवरीवन, बाय।